राजौरी से सटे गांव डांगरी में आज शाम 7 बजे कायर आतंकवादियों ने वहां हमला किया और हमला करके 4 घरों के अंदर घुसकर उन्होंने हमला किया, जिसमें 3 हमारे नौजवान जो हैं वो शहीद हो गए और 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। एलजी माननीय मनोज सिन्हा साहब से टेलीफोनिकली मेरी बात हुई, चीफ सेक्रेटरी जो है उनसे बात हुई, तो मेरा उनसे यही कहना था कि जो लोग सीरियस हैं उनको शिफ्ट करने के लिए चापर जो है वो भेजा जाए। राजौरी चापर जो है वो पहुंच चुका है, 3 लोग जो बड़े सीरियस हैं उनको जम्मू जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। 3 हमारे नौजवान जो जिन्होंने शहादत दे दी इस देश की एकता और अखंडता के लिए, आज पूरा देश जम्मू कश्मीर उनके साथ खड़ा है, उनके शोकगुल परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हैं। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को जितना भी कंडेम्ड किया जाए, जितनी भी इसकी निंदा की जाए, उतना कम है। इन कायर आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस समय डांगरी के अंदर हमारी आर्मी और पुलिस फोर्सेस जो हैं वो पहुंच चुकी हैं, पूरे एरिया को जो है कार्डन किया जा रहा है। ये आतंकवादी जो है ये मारे जाएंगे, ये बड़ी ही गंदी मौत जो है इनको मारा जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के दिन साल के नए वर्ष के ऊपर इन परिवारों के साथ जो घटा है ये एक ऐसा दर्दनाक वाकया है जिसको जितना भी जिसको इसको निंदा की जाए उतनी कम है। हम सब इस दर्दनाक वाकये के साथ हैं, इन परिवारों के साथ हैं। इन नौजवानों की शहादत जो है इनको इसको कभी भी जो है बुलाया नहीं जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा राजौरी और पुंछ के अंदर ये आतंकवाद की जो दस्तक है इसको खत्म करना बड़ा जरूरी है। कहीं ना कहीं हमारी जो एजेंसीज हैं उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है ताकि आगे से इस किस्म का जो है वो हादसा ना हो। पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए कि जितने आतंकवादी इस साल के अंदर मारे गए हैं उनको इस बात की शायद समझ नहीं आ रही है कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, और उन्होंने जो हरकत की है कायराना हरकत की है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, माननीय रविंदर रैना जी और मैं खुद सुबह अभी हम जो है राजौरी की तरफ जो है हमारे हम जो है निकल रहे हैं, उन परिवारों के बीच बैठेंगे, उनको इस समय एक ताकत देने की हम कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और खासकर हॉस्पिटल हमारे डॉक्टर्स ने जिस ढंग से काम किया है वो सराहनीय है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस हादसे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकवादी जो हैं इन आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी मार दिया जाएगा।